फ्रेंड, आप सबों का इंडियन ब्लॉगर सविता चैनल में स्वागत है। आज मैं बिना आटा गूंथे ही पराठा बना रही हूँ। दिखा रही हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। देखिए ये कितना सॉफ्ट भी होता है और इसको 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं और खाने में तो बहुत टेस्टी होता है। इसको टिफिन हो या नाश्ते किसी भी चीज़ में आप खा सकते हैं। चलते हैं इसे बनाते हैं, दिखा रही हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। ये नॉर्मल आटा है, एक कटोरी ये मैदा है। 2 कटोरी केवल आटा भी ले सकते हैं, 2 कटोरी मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं दोनों मिक्स करके ली हूँ। 1/4 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, ये चिली फ्लेक्स है, ये लहसुन है, इसको कद्दूकस कर ली हूँ। जितना आटा है उसी कटोरी से उतना ही पानी डालेंगे। थोड़ा सा भी पानी रख रही हूँ, अभी 1.5 कटोरी डाली हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बाकी का पानी भी डाल देंगे। इसका घोल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। रेडी हो गया है। गैस ऑन करके तवा रख दी हूँ। ज्यादा गर्म नहीं करेंगे तवे को। मैं तवा ली हूँ, इसके जगह आप फ्राई पैन का भी प्रयोग कर सकते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। के ऊपर 1 चम्मच ये घोल डालेंगे। जितना बड़ा रोटी बनाना है पराठा उतना ही डालेंगे। इसको डोसे की तरह अच्छे से फैला लेंगे। देखिए ये बिल्कुल चेंज हो गया है कलर। इसको पलट लेते हैं। बिल्कुल आसानी से ये निकल भी जाता है और पलट भी जाता है। देखिए कितना अच्छे से ये पलट गया। इधर भी सेक लेंगे अच्छे से। बिल्कुल ये आसानी से पलट जाता है। फिर इसे पलट लेंगे, इसे उलट पलट करके अच्छे से सेकेंगे। इसमें बटर या शुद्ध घी लगा देंगे। मैं शुद्ध घी लगा रही हूँ। दूसरे साइड भी पलट करके लगा लेंगे। ये बच्चों का टिफिन हो या नाश्ता हो बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल रोटी की तरह फूल भी गया है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग बना करके ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगता है। चैनल को जो पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। और ये खाने के लिए रेडी हो गया है।